दीपावली 2021 से पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि लोग कोविड-19 नियमों जैसे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साफ सफाई का पालन करें। केंद्र ने ये निर्देश देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी के बाद दिया है। कोरोना नियमों पर केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ की गई मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वो कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती कदमों का पालन करवाएं। अजय भल्ला ने कहा, पिछले 5 महीनों में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद बीते कुछ हफ्तों से देश के कई हिस्सों में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। ये देखा गया है कि इसका कारण कोविड-19 नियमों के पालन में ढील है, खास तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये जरूरी है कि कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। महाराष्ट्र और पंजाब में पाबंदियां सख्त। बता दें कि महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार से पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन भी एक ऑप्शन है। वहीं शुक्रवार को देश में कोरोना संक्रमण के करीब 40,000 मामले सामने आए, जो करीब 4 महीने में एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।